बसमीम्अल वरह वक् स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर टू के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू समार्ट सिलेबस थ्री टू एट ट्वेल्व एंड थर्टीन तो चलिए शॉर्ट क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं देखिए जी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है द दामिक सिम्बल ऑफ फॉसफोरस आये इज़ गिवन एज़ ठीक है तो आपको देखिए नज़र आ रहा है यहाँ पे फिफ्टीन है ठीक है ये आपको पता है कि अटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे ये थर्टी वन जो है ये मैथ नंबर होता है ठीक है तो अगर आपने देखने होंगे इसके अंदर जो है वो आ, कितने प्रोटॉन हैं तो आप थर्टी वन माइनस फिफ्टीन करेंगे तो प्रोटॉन मिल जाएंगे बेसिकली अब हमें जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन दरकार है प्रोटॉन नहीं ठीक है तो अब हमें क्या करने है पता है कि इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन है कैसे पता चला जितने प्रोटॉन होते हैं टॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है लेकिन ये जो माइनस थ्री है ये हमें बता रहा है कि इसके अंदर थ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं फिफ्टीन से तो फिफ्टीन से जब थ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो फिफ्टीन प्लस कितने हो जाएंगे एटीन तो ये देखें जी कह रहे जी हाउ मैनी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन द आइन तो एक तो उसने ये पूछ लिया है तो हम बता देते हैं कि भी प्रोटॉन फिफ्टीन है अटोमिक नंबर से पता चल गया इलेक्ट्रॉन एटीन है इलेक्ट्रॉन एटीन कैसे पता चला फिफ्टीन तो ये और ये जो माइनस थ्री इसके ऊपर चार्ज ये बता रहा है कि थ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो फिफ्टीन प्लस थ्री कितने हो गए एटीन ठीक है ना तो माइनस थ्री जो है वो चार्ज इसका मतलब है कि इसके ऊपर तीन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं ठीक है ठीके? अब न्यूट्रॉन किस तरह से निकले भाई अटामिक नंबर uh, को जो है वो माइनस कर दिया हमने उसके मैथ नंबर से ठीक है तो थर्टी वन माइनस फिफ्टीन इज़ इक्वल टू सिक्सटीन तो पता चल गया कि अभी इसके अंदर सिक्सटीन न्यूट्रॉन्स हैं उसके बाद उसने पूछा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आयन तो इसका नेम है जी फोस्फाइड आयन ठीक हो गया उसके बाद उसने कहा जी ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द आयन तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक तो हमने शेल्स के अंदर करके दिखा दी और दूसरा सब शेल्स के अंदर तो अब चूँकि एटीन है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो किस तरह होगी जिस तरह आर्गोन की है ठीक है आर्गन की है तो वो क्या है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू और थ्री पी सिक्स जो कि हम लेक्चर नंबर फोर्टी टू में डिटेल के साथ ही आपको समझा चुके हैं वैसे तो इसके फिफ्टीन था आ, होते हैं लेकिन चूंकि अब तीन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं इस पर तो एटीन हो गए तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम एज़ इट इज़ होगी आर्गोन की तरह से ठीक है उसके बाद भाई शेल के अंदर आपको पता है के शेल के अंदर दो आ सकते हैं ठीक है थीके? उसके बाद एल शेल के अंदर आठ आ सकते हैं वो आपने बुट कर दिए तो आठ और दो कितने हो गए जी दस बाकी इतने रह गए आपके पास सिक्सटीन में से सिक्स रह गए तो वो जो सिक्स थे लास्ट वाले वो आपने अपना सॉरी एटीन थे तो एटीन में से एट रह गए एट जो थे लास्ट वाले वो आपने किसके अंदर बुट कर दिए एम शेल के अंदर जो आपको नज़र आ रहे हैं टू टू फोर टू सिक्स और टू एट ठीक है तो इस तरह से आपने इसकी दोनों तरह से शेल्स और सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो करके दिखा दी उसके बाद है जी नेम द नोबल गैस विच हैज़ अ सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज द फॉस्फोरस आइन हैज़ तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि इसकी बिल्कुल सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिस तरह से आपके पास आर्गॉन की है आ, तो आर्गन जो है वो उसके भी एटीन होते हैं इलेक्ट्रॉन तो इसके भी अब चूँकि माइनस थ्री चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एटीन हो गए थे तो लिहाजा ऐसेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी जैसे कि हमारे पास आर्गन की उसके बाद उसने पूछा जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन

यहाँ तक लिख लेंगे ठीक है उसके बाद आप किसी भी जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो आप शेल और सब शेल के अंदर लिख के दिखा सकते हैं जिस तरह अभी हमने जो है फास्फोरस फॉसफाइड आइन की की है इस तरह आप जस्ट फास्फोरस या किसी भी छोटे जो है वो अः उसकी शेल और सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा देंगे तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ठीक तो है जी तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की जाने नेक्स्ट है जी हमारे पास एन एलिमेंट हैज एन अ टॉमिक नंबर सेवनटीन कह रहेगा एक एलिमेंट है आपके पास उसका टॉमिक नंबर जो है सेवनटीन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन के एल एंड एम शेल ऑफ द एटम तो अभी हमें पता है के, के अंदर टू आ सकते हैं तो दो आ देंगे एल के अंदर एट आ सकते हैं तो एट आ देंगे एट और टू कितने हो जाएंगे टेन बाकी रहेगा सेवन तो सेवन जो होंगे इलेक्ट्रॉन वो किस शैल के अंदर आ देंगे एम शेल के अंदर आ देंगे तो हमने लिख दिया कि भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल इज़ टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल इज एट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल इज़ सेवन तो बस यही आपका आंसर है ठीक है उसके बाद है जी नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ई एल प्लस थ्री हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन इट आउटर शेल तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे अल्मोनियम के अंदर वो कितने होंगे थर्टीन अपना टेन ठीक है वैसे होते कितने हैं अल्मोनीम के अंदर थर्टीन होते हैं तो इसके ऊपर जो प्लस का चार्ज है वो हमें बता रहा है कि भाई इसके अंदर थ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है थ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है जिसकी वजह से प्लस थ्री चार्ज आया ठीक है तो आपको ये भी जो है वो जानना है कि हमारे पास चार्ज से किस तरह से हमने इसको देखना है तो भाई होते थर्टीन है तो प्लस थ्री का चार्ज बता रहा है कि इसके अंदर थ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तो जब थ्री कम है तो थर्टीन माइनस थ्री कितने बच गए टेन तो उसको जो है आपने किस तरह से लिख सकते हैं सबसेल्स के अंदर वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स ठीक है तो दो दो और दो चार और ये बोले छः पूरे दस हो गए ठीक है और अगर आप इनको शेल्स के अंदर देखेंगे तो पहले के अंदर टू और अगले के अंदर एल के अंदर एट आ गए और इस तरह से आपने ए एल प्लस थ्री की शेल्स के अंदर भी कन्फिग्रेशन जो है वो करके दिखा दिए ठीक है तो यही हमारा जो है वो आंसर है इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर है सेवन कि मैग्नीशियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू ए टू अब टू ए का मतलब है के के अंदर टू एल के अंदर एट और एम के अंदर टू हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर दिन देर आउटर मोस्ट शेल आउटर मोस्ट शेल कहते हैं सबसे बाहर वाला तो बाहर वाला कौन सा है एम है तो इसके अंदर कितने होंगे जी टू होंगे शेल बस इतना शॉर्ट सा क्वेश्चन है ये उसके बाद है जी कि इन विच सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट तो उसकी जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे तो देख लिया इलेक्ट्रॉनिक वन एस टू टू एस टू ठीक है उसके बाद जनाब टू पी सिक्स आना था यहाँ पे और थ्री एस टू तो भाई तो आउटर मोस्ट है वो कौन सा है इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंटिंदा थ्री एस सब शेल तो आउटर मोस्ट शेल जो है वो के है अपना सॉरी एम है ठीक है और आउटर मोस्ट जो है हमारे पास सब शेल है वो थ्री एस है जिसके अंदर है ठीक है वैसे भी एम का टॉम जो है नंबर हमारे पास थ्री है तो इसके जो है एस सब शेल के अंदर हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मौजूद होंगे ठीक है तो इसलिए थ्री एस आ गया आपको पता है ना कि जो कोफिशेंट्स होते हैं एस के साथ ये हमारे पास बेसिकली शेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसके बाद है कि पूछ रहे हैं कि वाई मैगनीशियम टेन टू लूज इलेक्ट्रॉन्स मैगनीशियम लूजेज टू इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ठीक है तो इसके जो है आउटर मोस्ट शेल उसके अंदर टू इलेक्ट्रॉन है तो ये टू इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास लूज कर देता है ज़ाया कर देता है ताकि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है एल शेल वो क्या हो जाए कम्प्लीट हो जाए तो आपने पढ़ा है कि हाँ, हर जो आ, है हमारे पास एटम वो क्या करना चाहता है ख़ुद को स्टेबल करना चाहता है भाई स्टेबल किस तरह से होता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एट इलेक्ट्रॉन्स हों यानी कि वो अपनी जो कन्फिग्रेशन है वो हमारे पास जो नोबल गैसेज हैं उनकी कन्फिग्रेशन के साथ जो है वो मैच करना चाह रहा होता है उसके बाद है जी लास्ट अपना थर्ड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन एट कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन एन एटम व्हेन इट लोजीज एन इलेक्ट्रॉन और वेन इट गेंज एन इलेक्ट्रॉन तो वैन एन ऐटम लूज एन अलेक्ट्रॉन इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज तो जब भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो देंगे नेगेटिव का चार्ज कम हो जाएगा तो उस पर जो डोमिनेशन है जो हुकूमत है वो किसकी हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की तो लिहाजा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा वैन एन ऐटम गेंज एन अलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन गेंद करेगा तो उसके पास है पहले ही नेगेटिव चार्ज जो था वो बराबर था तो अब इलेक्ट्रॉन जब गेंद करेगा तो उसके पास जो है नेगेटिव चार्ज का इजाफा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इट बिकेम नेगेटिवली चार्ज तो फिर उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज तो जब भी आप देखें किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो आप समझ आया करेंगे इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं जब आप देखें किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आप समझ आया करेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ठीक है इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एंड थर्टीन ट्वेल्थ में पूछ रहे हैं कि दर्ड अदर डिफेक्ट होदर अदर फोर अटोमिक मॉडल तो इसमें आप वही डिफेक्ट करेंगे जो हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं तो वो आपने डिफेक्ट इसके अंदर लिख लेने हैं ठीक है उसके बाद है थर्टीन के एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमीज इन एन ऑर्बिट इट डज नॉट इमिट और ऑब्जॉर्ब इनर्जी वर्ड डज इट इमिट और ऑब्जॉर्ब इनर्जी कह रहे हैं कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर रहता है तो वो एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्ब और इमिट नहीं करता क्या वो करते तो भी हम बताएंगे नहीं करता ठीक है तो हम बताएंगे कि जी द एनर्जी इज इमिटेड और ऑब्जॉर्ब ओनली वेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर तो जब तक एक में रहता है नहीं करता तो जब इमिट और ऑब्जॉर्ब करता है कब करता है तो हमने उसे बता दिया कि भी जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर जाता है तो अब हमारे पास वो एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्ब करता है या फिर इमिट करता है ठीक है और डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास लोअर एनर्जी वाले से हायर एनर्जी वाले में जाना है तो उसने एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करनी है और जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आना है तो उसने एनर्जी अपनी ख़ारिज करके फिर लो एनर्जी वाले में आना है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस अच्छे से कर चुके हैं तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चन को कम्प्लीट किया अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस और लॉन्ग क्वेश्चन इन शाला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तो आपने इनको अच्छे से जो है प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि अब हमारे पास जो है वो सिलेबस uh, कम है और इसलिए आपने इनको अच्छे से ही करना है ताकि आपके इन मैक्सिमम नंबर जो हैं वो आप अटेन कर सकें तो अब तक के लिए इतना ही दुआ याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ रहमतुल्लाहि व वा